आज का हमारा टॉपिक क्लीनलीनेस पे है, मतलब सफाई। ठीक है, सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। सही, जैसा ये हदीस है, अत्तहूरु शत्रु ईमान, सफाई निस ईमान है, या पाकीजगी जो है वो निस ईमान है। क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ द से। अपने आप को सबसे पहले अपने आप को साफ रखना, फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना। ठीक है, ये अल्लाह ताला इस चीज को बहुत पसंद करता है। और सफाई निस ईमान है कि निस ईमान का हिस्सा है, कि आधा ईमान आपका इसी में पूरा हो जाता है कि आप लोग सफाई का ख्याल रखें। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को साफ रखें, फिर अपना आपका जो रूम है घर में उसको, फिर घर को साफ, या जैसे स्कूल में आते हैं क्लास रूम को साफ रखें। कि क्योंकि अल्लाह ताला पाकीजगी को, सफाई को पसंद फरमाता है। ठीक हो गया जी। और सफाई क्या है, बीमारियों को भी दूर रखती है। आप खुद को साफ रखते हैं तो बीमारियों से दूर रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं सफाई के साथ। ठीक है, समझ आ गई। ये आयत एक दफा पढ़ लीजिए, अत्तहूरु शत्रु ईमान। अत्तहूरु शत्रु ईमान क्या मतलब इसका हो गया, सफाई निस ईमान है। तो अपने आप को पाक साफ रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। स्कूल में जब आप आते हैं, कहीं भी आपको रैपर्स दिखें तो उनको उठाया करें, अपना यूनिफॉर्म प्रॉपर सफाई के साथ। ठीक है, समझ आ गई। यस ओके जी, थैंक यू सो मच।